हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रैबेलकम डीएसआर कैप्सूल के विषय में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे आपको इसके विषय में समस्त जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। सो लेटेस्ट फ्रेंड, अब इसके यूजेस के विषय में बात कर लेते हैं कि रैबेलकम डीएसआर किन समस्याओं में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो रैबेलकम डीएसआर कैप्सूल जो है वह गैस के लिए यूज किया जाता है। असिस्ट मतली और उल्टी के लिए उपचार है ये। पेट की परिपूर्णता, उल्टी, आंत्र में सूजन जैसी समस्याओं के लिए हमें इस कैप्सूल को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम रैबेलकम डीएसआर किन औषधियों से मिलकर बना हुआ है, आइए इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो रैबेलकम डीएसआर बहुत ही अच्छे कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ एक अच्छा दवा है, जो डोमपेरिडोम 10 mg और रेबेप्राजोल 20 mg मिलकर बना हुआ है। ये आप इसमें कंपोजिशन देख रहे हैं जी। इसमें रेबेप्राजोल सोडियम IP 20 mg और इसके नीचे डोमपेरिडोन IP 10 mg और फिर डोमपेरिडोन IP 20 mg मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम रैबेलकम डीएसआर कैप्सूल के साइड इफेक्ट के कुछ लक्षण के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इस कैप्सूल खाने से ऐसे कुछ दुष्प्रभाव के लक्षण दिख रहे हैं तो आप इस दवा को तुरंत बंद कर दें। जैसे इसको खाने से सिर दर्द अगर हो रहा है तो इस कैप्सूल को बंद कर दें। चक्कर आ रहा है, तंद्रा हो रहा है, दस्त हो रहा है और खुजली हो रही है, ऐसी समस्या यदि आपको पता चल रहा है तो आप इस कैप्सूल को बंद कर दें। तो दोस्तों, अब आइए हम रैबेलकम डीएसआर कैप्सूल हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो रैबेलकम डीएसआर पेशेंट के क्रिया शरीर में जाकर निम्न क्रियाएं करके मरीज की स्थिति में सुधार करता है। जैसे डोपामाइन अभिग्राहकों को अवरोधित करता है, पेट की परत में प्रोटॉन पंप की गतिविधियों को अवरोधित करता है। इस माध्यमों से ये रैबेलकम डीएसआर हमारे पेट में गैस को दूर करता है। तो दोस्तों, अब हम इसके जो है रैबेलकम डीएसआर के यूजेस के कुछ सावधानियां के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि इन कैप्सूल को यूज़ करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दवा को खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए आपको, और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए इस दवा को यूज करते समय आपको ध्यान देना चाहिए। गुर्दे के रोग से ग्रसित रोगियों को नहीं लेना चाहिए, और दुग्ध शर्करा असहिष्णु या अति दुग्ध शर्करा से ग्रसित रोगियों को भी नहीं लेना चाहिए। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की अधिकता या मैग्नीशियम की कमी से ग्रसित रोगियों को भी ये कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ हमें क्या नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के साथ हमें एमियोड्रोन कैप्सूल, ऑफ्लुकोनाजोल, एरिथ्रोमाइसिन, डिल्टीजेम, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एट्रोपिन, एंटासिड्स, एप्रेनावीर, ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इस कैप्सूल के डोजेस के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें कैसे यूज करना चाहिए। इस कैप्सूल को हमें जैसे एडल्ट डोज में ये आप दे सकते हैं। इस कैप्सूल को आप सुबह और शाम 2 टाइम ले सकते हैं। सुबह खाली पेट, मतलब खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको लेना पड़ता है, और रात में भी खाना खाने से 1 घंटा पहले आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप पैक जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, बहुत ही अच्छी पैक है। ये आपको हर मेडिसिन शॉप पर मिल सकती है बहुत ही आसानी से। यह जेनरिक डिवीज़न में आता है दोस्तों। इसकी प्राइस 98 रुपीज़ है, और यह एल्केम कंपनी के द्वारा बनाई गई, बहुत ही अच्छी कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो हमारे गैस्ट्रो सिस्टम में काम करता है। तो दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।